सो है गाइस, हमारे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी हम आए हुए चंदौली के लतीफसर डैम, जो कि चकिया में स्थित है, वहाँ पे आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अजीत भी आया हुआ है, और हम लोग जो है अपने अंकल जी के बाइक से आए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ का जो भी व्यू है दिखाते हैं। और आज डेट है, कितना डेट है आज? करीब डेट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट, 27 तारीख है। और समय है 1 बज रहा है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, और धूप भी काफ़ी है, तो आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ वगैरह है। तो चलिए हम आपको बाकी हैं जो भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो चकिया चंदौली और लतीफ साहब डैम है, यह वाराणसी से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम लोग मतलब अचानक से आज आ गए हैं, तो बस ऐसे ही प्लान बन गया, तो देखने चले आए हैं। तो और मुझे यहाँ का मतलब व्यू जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। तो गाइस, आप सामने देख सकते हैं, मतलब हम लोग उधर से आए हैं होकर, और देखिए यहाँ का मतलब व्यू है। हम लोग थोड़ा ऊपर है, तो इधर से दिखा रहे हैं, देखिए आप सामने पहाड़ वगैरह है, और यहीं पे हम लोग मतलब अपना बाइक लगा दिए हैं। इधर भी देखिए पहाड़ वगैरह है, और आप उधर देख सकते होंगे, शायद आपको दिख रहा होगा धूप है तो ब्लैक ब्लैक हो गया होगा, लेकिन उधर भी देखिए पहाड़ पर लोग जो है खाना वगैरह बना रहे, अपना पार्टी वगैरह कर रहे हैं। और ये देखिए हम लोग इसी रोड से मतलब ऊपर आए हुए हैं, और सामने आप देख सकते हैं कि डैम है। और ये देखिए यहाँ का गुंबज है, लतीफ शाह बाबा का गुंबज है, यहाँ पे मंदिर वगैरह है, तो वो भी हम आपको चल के दिखा देंगे इसी ब्लॉग में। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं, तो पहले आपको चल के मैं दिखा देता हूँ जो यहाँ का मतलब डैम है, पानी वगैरह कितना है क्या है, वैसा मतलब सारा कुछ मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए हम लोग मतलब इधर से हम लोग चलेंगे, आइए अजीत जी। तो पहले मैं आपको ऊपर से चल के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप इधर भी सारा पानी वगैरह है, पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी पानी है। देखिए पानी में इधर कमल खिला हुआ है, इधर देख सकते हैं, और इधर ये डैम से दो नहर भी निकला हुआ है, जो कि ये मतलब इसी नहर के रास्ते हम लोग आए हैं, मतलब ये जो नहर है इसी के साइड से एक रास्ता है, तो उसी से हम लोग होकर आए हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए आप उधर से लोग आ रहे हैं, हाँ जी, तो उधर से ही लोग आ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पहले यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। मुझे काफ़ी मतलब यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग कई जगहों पे जाते हैं पार्टी वगैरह के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोकेशन है और जगह भी है पार्टी वगैरह के लिए, तो यहाँ पे हम लोग पार्टी वगैरह कर सकते हैं। और लेकिन एक बात, पहाड़ बहुत ऊंचा ऊंचा है इधर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए लोग आ चुके हैं ऊपर, चलिए मैं आपको पास से जो है दिखाता हूँ। काफ़ी समय के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, दो बार तो लोग मतलब उल्टा पुल्टा रास्ता बता के उल्टा पुल्टा जगह पे भेज दिए, फालतू के हम लोग को 10 किलोमीटर चलना पड़ा, उसके बाद तो जाके फिर हम लोग सही लोकेशन पर आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी इतना है, देखिए ये सारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं सामने, चल के पास से दिखाता हूँ मैं। और इधर का व्यू भी अच्छा है। अजीत यार, बाइक इधर ही लाना चाहिए था ना, हम लोग का बाइक उधर वहाँ पे लगा है, वो जो ट्रैक्टर दिख रहा है वहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये भी है, काफ़ी अच्छा है। देखिए भैया उधर गए हैं, देख सकते हैं, नहीं भैया देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ पे गन वगैरह रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लायन शेर है, देख सकते हैं, देख रहे हैं ये नीचे का व्यू, अभी हम चल के आपको नीचे से भी दिखाएंगे, सभी लोग नहा रहे हैं, देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है, देखिए इधर से काफ़ी अच्छा है व्यू, देख सकते हैं सारा एकदम पानी पानी ही दिख रहा है। अब हम लोग देखिए मतलब यहाँ से देखते हैं कि नीचे जाने लगा रहता है, चले नहीं तो फिर उधर सामने से आएंगे, और काफ़ी अच्छा है उधर, देखिए शायद एक मज़ार है या कुछ है, तो कहते हैं। और ये सारा जो है पानी ऐसे मतलब फ्लो होता है, जब ज़्यादा बने तो फिर ऐसे ऐसे मतलब चला जाता है सब नहर वगैरह में, नदी वगैरह में। और यहाँ पर लोगों का भीड़ भी है काफ़ी, चलिए मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ उधर चल के जो भी है। पानी में मच्छी है, मुझे
दिख रहा है लेकिन शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं इधर बीच में एक पेड़ है, मतलब यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है और यहाँ पे पानी है, देख सकते हैं आप उधर से भी पानी, मतलब ये सारा जो है इधर पूरा पानी पानी ही आ रहा है, देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मतलब नहर में जाने के लिए जो मतलब गेट बना हुआ है ये वो है, अभी तो फिलहाल में बंद है लेकिन फिर भी पानी भी जा ही रहा है, देख सकते हैं। मैं मतलब उधर से होकर आया हूँ ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ही नीचे आया हुआ हूँ। अभी हम लोग मतलब अब यहीं से नीचे चलेंगे और इधर भी चल के आपको दिखाएंगे। चलिए अजीत जी नीचे चला जाए, देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहीं से नीचे चलेंगे और चल के आपको जो है मतलब सारा व्यू दिखाएंगे। तो अब देख सकते हैं कि हम लोग इधर से आए और अभी चल रहे हैं इधर, देख सकते हैं इधर का व्यू। नीचे ऐसे पानी काफ़ी अच्छे से झरने की तरह गिर रहा है सारा, मतलब ये जो पानी गिर रहा है ना ये मतलब पत्थरों से रेस कर गिर रहा है, मतलब कोई खुला नहीं है पानी कहीं से, बस पत्थरों से जो है वो रेस कर गिर रहा है। और आप ये जो देख रहे हैं इधर, ये यहाँ पे कोई गेट वगैरह नहीं है, जब मतलब पानी इसके ऊपर तक आ जाता है तब पानी फ्लो होता है इसके ऊपर से और फिर फ्लो कर जाता है। और इस पानी में मच्छी मतलब मछली फिश बहुत सारी हैं, मतलब लंबी लंबी हैं सारा, और इधर तो नहीं, लेकिन जब हम लोग ऊपर से देख रहे थे तो मतलब बहुत सारी मछलियाँ थी दिख रही थी, लेकिन इधर तो नहीं दिख रहा, पानी एकदम रुका हुआ है, देख सकते हैं इधर का ये जो है सारा व्यू। अभी नीचे चलेंगे तो फिर नीचे से दिखाएंगे। और देखिए अजीत भैया थक गए हैं। अजीत भैया यहाँ पे किसी को ढूंढ रहे हैं, मतलब काफ़ी दूर से हम लोग मतलब उस बंदे को देखते हुए आ रहे थे, बीच में वो गायब हो गया कहीं, लेकिन हम लोग को मतलब मालूम कि वो यहीं पे कहीं पे आया होगा, तो ये कंफर्म है कहीं पे, लेकिन देखते हैं कि वो मतलब अगला बंदा दिख जाता है कि नहीं। अजीत भाई यार अंदर लाना चाहिए था। हाँ चल यार कोई बात नहीं, अगली बार जब आएंगे तो ला देंगे, क्या दिक्कत है। हाँ उधर सामने एक नाव लगा हुआ है पानी में, इधर से ब्लैक ब्लैक आ रहा है इधर का, बल्कि बहुत सही आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये शायद एक मिनट में देख के बता रहा हूँ, ये हाँ यहाँ पे ये मतलब एक गेट है, ये पानी मतलब यहाँ से खुलता है, ये एक गेट बना हुआ है, अभी बंद है, नहीं तो है कि ये जो मतलब ये गेट खुलेगा तो पानी जो है, देखिए ये जो है नहीं यहीं से जाएगा पानी, लेकिन वो गेट अभी बंद है। और मौसम काफ़ी सुहावना है क्योंकि अक्टूबर महीना चल रहा है, सर्द भी आई गई है तो धूप उतना पता नहीं चल रहा है, क्योंकि नवंबर में देखिए ठंडी आई जाती है, तो बस 4-5 दिन बचा हुआ है महीने में, देख सकते हैं इधर काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी चलते हैं इधर, फिर यहीं पे फ़ोटो शूट वगैरह हम लोग कराएंगे फिर चलेंगे। इधर भी नीचे चल के देखते हैं क्या है, काफ़ी अच्छा इधर भी है लोकेशन, तो इधर का भी चल के देखें, पहले ऊपर ऊपर से आपको सारा दिखा दें तो उसके बाद फिर इधर का, उसके बाद उधर का भी आपको हम सारा। देखिए भैया लोग हैं यहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं, मतलब तुरंत बना के देते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं, कि एक मतलब क्या है, श्यामाड़ी वेदहस्ता सुरुचि वंदना सुंदरी पितृवस्त्राम, मतलब किसी देवी का है शायद ये मतलब मूर्ति जो कि इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक दरवाज़ा बना हुआ है, जब पानी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो ये दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है, तो हम लोग यहीं से चलेंगे ऊपर। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी इस पार आ चुके हैं, देखिए मैं एक बार फिर से आपको घुमा के दिखा देता हूँ, देखिए वो सामने जो बस्ती है सब, देखिए भीड़, हम लोग जिधर से आए यहीं मतलब नीचे से हम लोग ऊपर आए हैं, और इधर चलिए नीचे हम आपको चल के दिखाते हैं, यहीं से जाया जाएगा अजीत इधर से जाया, चलिए हम आपको चल के दिखाते हैं। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना ऊपर हैं, और अभी हम लोग इधर से जो है नीचे चलेंगे, देख सकते हैं सीढ़ी
काफी अच्छा बना हुआ है, इधर रेलिंग, बगल में रेलिंग भी लगा हुआ है। चल के आपको दिखाते हैं सारा जो है व्यू। देखिए भी नीचे आ चुके, ये पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। देखिए नीचे देख सकते लोग, मतलब बाती वगैरह लगा रहे हैं, अपना पार्टी कर रहे हैं। इधर एक मतलब छोटा सा मार्केट टाइप है, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब चेतावनी वगैरह लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है। तो चलिए लोग मतलब ये जो छोटा सा मार्केट है इधर घूम लेते हैं, उसके बाद दूसरा साइड भी आपको दिखाना है। ये क्या, इधर तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि हाँ ये क्या चीज़ है, लेकिन काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ा करने की मतलब कोई टेंशन नहीं है, जगह बहुत है, पार्किंग भी है, नहीं वैसे भी आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं इधर ये सारी दुकानें वगैरह हैं, आइसक्रीम खिलाने वगैरह बिक रहे हैं सामने, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं। यही एक यहाँ का छोटा सा मार्केट है, देख सकते हैं। देखिए ये मतलब एक काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ भी खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं कि कोई मतलब समस्या ना हो, बैठने बैठने के लिए मतलब सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, फिर जो भी सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे आप सामने देख सकते हैं आप, लिखा हुआ लतीफ़ बाबा, लतीफ़ बांध, काफ़ी गहरा है तथा है, मतलब पानी में जाना सख्त मना है वगैरह, सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है सारा कुछ, ये आप देख सकते हैं। लोग यहाँ मतलब अपना खाना वगैरह बना रहे हैं, जो मतलब दूर दराज से आए हुए हैं लोग। तो ये सब भी मैं आपको दिखा दे देता हूँ, यहीं पर एक मज़ार में पहले आपको वो चल के दिखा देता हूँ, चलिए मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। ये मतलब देखते हैं चल के, अभी अभी देखिए चाट वगैरह का दुकान है, और ये सामने क्या है, आदर्श नगर पंचायत चकिया जनपद चंदौली। वापस से मतलब उस पार जाने का ये रास्ता है, मतलब पानी जब नहीं रहेगा तो आप उस पार जा सकते हैं, नहीं तो फिर उधर से तो जा नहीं सकते हैं, तो ये रास्ता पूरा बना हुआ है उधर जाने के लिए। और ये क्या है, शायद मज़ार टाइप लग रहा है, चल के देखना पड़ेगा, चलिए चल के देखते हैं। अरे आप देखिए पार्क वर्क लगा हुआ है, आओ जी आओ, काफ़ी अच्छा है यहाँ के बगल। दादा नानी देख सकते हैं, इधर देखिए ये पानी आ रहा है और वहाँ से फ्लो हो रहा है झरने की, मतलब जैसे झरने की तरह गिर रहा है, वहाँ पे मतलब आवाज़ भी आ रहा है, जैसे झरने का पानी गिरता है वहाँ पे, वो सामने एकदम वाह वहाँ से आवाज़ आ रहा है, काफ़ी अच्छा है। इसमें भी मच्छी तो नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पानी मतलब बहुत तेज़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे कपड़े का दुकान लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा भी है। देखिए हम लोग मतलब डैम से जो है मतलब काफ़ी दूर पे आ चुके हैं, हाँ करीब 100-150 मीटर दूर, यही है ऊपर, चल के देखते हैं, पहले पूछ लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो है लतीफ़ साहब बाबा का मतलब मज़ार है, तो चलिए चल कर देखते हैं ऊपर से। ये देखिए एक हैंडपम्प लगा हुआ है, तो पहले लोग अपना स्लीपर वगैरह यहीं पर उतार देते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए ऊपर चलते मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इधर से आए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब अनाउंस वगैरह हो रहा है, और लोग यहाँ पे हैं, भीड़ काफ़ी है, तो आप देख सकते हैं ये सामने मज़ार वगैरह है, मस्जिद है, यहाँ का माहौल काफ़ी मतलब अच्छा है, शांत है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा मज़ार है,
और अभी इधर मतलब काम हो ही रहा है, काम मतलब जो है बन रहे हैं अभी, काफ़ी अच्छा है। और देख सकते हैं इधर सामने से, आप देख सकते हैं इधर का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उधर भी मतलब काम वगैरह हो रहा है, आप देख सकते हैं अभी मतलब इसका काम हो रहा है। इधर देख सकते हैं इधर पे भी काम हो ही रहा है। चलिए उधर से चल के आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं इधर का जो अभी काम मतलब लगा हुआ है, इसका कलर वगैरह हो रहा है, ये सारा काम देख सकते हैं जो है। इधर भी मतलब यहाँ पे भी पार्टी वगैरह का है मतलब जगह है, यहाँ भी आप सारा कर सकते हैं। ये आप देखिए कुआं वगैरह है, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है सारा, देख सकते हैं आप ये जो भी है काफ़ी अच्छा है, तो देख सकते हैं सारा कुछ है। और इधर से मतलब ये ऊपर आने का रास्ता है जो भी है, ये सारा मतलब यहीं पे है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक मतलब काफ़ी विशाल का एक पेड़ है, मतलब ये जो सारा मतलब एकदम छाया छाया दे रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं और फिर आपको कहीं और मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं उस पास जिधर हम लोग का बाइक लगा हुआ है, तो उधर से चल के आपको दिखाएंगे सारा कुछ। मतलब ऐसे आए थे ऊपर से, अब चलेंगे हम लोग नीचे से, तो आप देख सकते हैं यहाँ का मतलब पानी कम है, तो उधर सारा जो है पत्थर वगैरह दिख रहा है, लेकिन देखिए सभी जो है पानी वगैरह आ रहा है, देख सकते हैं इधर भी आप लोग देखिए उधर मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा। देखिए यहाँ पर बबुआ दुकान लगाया हुआ है इधर, मतलब इधर भी देखिए मतलब यहाँ से ये पानी जा रहा है अंदर, जो मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है यहाँ पे, ये सारा तो ये सब है। ये भी करीब काफ़ी, ये इसकी जो मतलब दीवार की हाइट है वो करीब 20 फीट होगी। इधर देखिए ये एरिया है जिधर मतलब पानी सारा चला जाता है, देख सकते हैं कि पानी में छोटी छोटी जो है मछलियाँ तैर रही हैं। ये पानी बहुत ही काफ़ी गहरा है, देखिए यहाँ पे एक पत्थर उसके बाद काफ़ी गहरे पे है, लेकिन पानी में जो मतलब काफ़ी गंदगी है, काफ़ी गंदगी है यहाँ पे बहुत, लेकिन मछलियाँ जो है मतलब बहुत है इसमें काफ़ी। देखिए वो सामने से मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है ऊपर से, ये सारा मतलब ये ऊपर का व्यू है, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये सारा ये मतलब इसका व्यू है। और अभी जो मतलब मैंने आपको मतलब मजार मस्जिद दिखाया वो वही सामने का था। और अजीत भैया यहाँ पे देखिए ये पोज दे रहे हैं, अजीत भैया पोज दीजिए, देखिए यहाँ पे अजीत भैया पोज दे रहे हैं। तो गाइस मैं आप लोगों से एक बार रिकमेंड करूँगा कि मतलब कि आप लोग यहाँ पे एक बार आएँ और यहाँ पे मतलब आके लुत्फ़ तो उठाएँ, क्योंकि यहाँ का जो है मतलब माहौल काफ़ी अच्छा है और सब कुछ यहाँ पे पार्टी वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा जगह भी है, और पहाड़ वगैरह मतलब सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ और एक बात, आप जैसे कह रहे कि आप घर से सारा कुछ लेकर आए खाने पीने और बनाने की चीज़ें, तब तो ठीक है, और नहीं भी लेकर आ रहे हैं तो भी यहाँ पे मतलब सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि इधर दोनों साइड पे मतलब हमारे दुकानें हैं, तो इसकी कोई टेंशन नहीं कि हाँ नहीं मिल पाएगा। तो आप यहाँ पे आराम से लेकर मार्केट से बनाकर पार्टी वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप घर से लाना चाहें तब तो और भी बेटर है। देख सकते इधर जो है मतलब पानी वगैरह गिर रहा है, लोग यहीं पर नहा रहे हैं, अपना झरने टाइप का हो गया है, इधर भी पानी गिर रहा है, जो मतलब झरने के जो मतलब पानी गिरने का आवाज़ है काफ़ी अच्छा है। तो इधर देख सकते हैं इधर का मतलब जो भी घास वगैरह सब साफ़ किया गया है, और हम लोग अभी उधर से आए हैं, तो अभी हम लोग मतलब चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, तो हम लोग इसी पे चल के खाएंगे। अजीत देखिए आगे जा चुका है, हम लोग यहीं पर चल के मतलब बैठेंगे और कुछ खाएँगे। तो चलिए पहले मतलब हम कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद मैं मतलब आप लोगों से बातें करता हूँ, क्योंकि सुबह से हम लोग निकले हैं घर से, तो अब भूख लग रहा है, तो कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या चला। अभी मतलब इधर का अभी आपको दिखाना ही है, दिखाने के बाद फिर देखा जाए कहाँ चलते हैं। तो वैसे अभी हम लोग जो है वो खाना वगैरह खा चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अजीत है, मतलब हम लोग मतलब डिब्बे का मिठाई लाए थे कि हम लोग खाना वगैरह के बाद खा लेंगे, तो अजीत खा रहा है, क्योंकि खाने के बाद देखिए मीठा भी खाया जाता है भाई, तो सेहत के लिए अच्छा होता है, इस वजह से हम लोग मतलब सारा जुगाड़ लेकर आए हैं। तो बस हम लोग खा लिए और यहाँ से अब चलेंगे, बाकी आपको चलकर ऊपर जो आप पीछे देख रहे हैं ये सारा हम आपको दिखा देंगे।
तो चलिए चलते हैं उधर भी, काफी मजा आने वाला है। तो गाइस अगर कि आप बाइक लेकर भी आना चाहते हैं तो आप उधर से आ सकते हैं, और ये जो है मतलब बाइक आप लेकर उधर जा सकते हैं, ठीक है, मतलब बाइक भी आप लेकर जा सकते हैं अंदर। बाकी हम लोग इधर से अब चलेंगे ऊपर, तो बाकी ऊपर का जो भी व्यू आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं यहाँ से, धूप काफ़ी हो गया है। काफ़ी ऊँची 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 सीढ़ियाँ, हालत ख़राब हो जा रही है। चलिए बस ऊपर पहुँचने वाले हैं। कैसे देख सकते हैं कि यहीं पे मतलब मंदिर के पास छोटा मार्केट है, देख सकते हैं उधर से मंदिर में जाने का सीढ़ी है, इधर ये सब मार्केट है। चलिए पहले पानी खोल लेते क्योंकि पानी प्यास लग गया, उसके बाद फिर आपसे हम लोग मिलते हैं। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप कि आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और एक खास बात एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।